एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर कैसे जोड़े जाते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने की वेक्टरों को जोड़ने की तमीज क्या है इस दुनिया में। ये जो एलजेब्रा, ये एक अलग अंदाज होता है। तो पहले तो एक कोड समझिए। यदि आप आज से पहले कई बार ये किया होगा, कई बार ये किया होगा आपने, लेकिन आज से आप ये दुनिया में कदम रखने जा रहे हो। अंतर देखो क्या है सिंबलों में, इससे ये वाला काम तो आपने बहुत किया है, और ये सिखाने नहीं आया हूं मैं। यदि आपको ये भी नहीं आता तो आप वापस पुरानी क्लासों को रिवाइज करिए। ये तो आप करते आए हो, लेकिन आज मैं ये करना सिखा रहा हूं। इसको बोलते हैं स्केलर एडिशन, स्केलरों को जोड़ना। और बच्चे को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि यदि तीन में चार जोड़ना है तो मैडम सिखाती थी ना, पहले तीन डंडे खींच दो, फिर चार डंडे खींच दो, एक दो तीन चार, फिर टोटल डंडे गिन लो कितने हो गए, सेवन। ये कहलाता है स्केलर एडिशन, ये कहलाता है वेक्टर एडिशन। देखो गौर से, वेक्टर है ये, किस धर्म का है ये वेक्टर है, ये दोनों ही वेक्टर, और वेक्टर में वेक्टर जुड़ता है, वेक्टर में स्केलर नहीं जुड़ता। एक ही धर्म में शादी होती है, ध्यान रखना यहाँ पे भी, ठीक है ना। चलिए, तो ये स्केलर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन। इसका यदि मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है जोड़ दो। हिंदी में बात करूं तो मतलब होता है जोड़ दो, और इसका मतलब होता है जोड़ो मगर डायरेक्शन को भी साथ में लेकर, डायरेक्शन को भी साथ में लेकर जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रखकर, ऐसे बोल सकते हो। ये मेरा, ठीक है, जोड़ो इस बार का मतलब, इसका मतलब होता है जोड़ दो, सीधे जोड़ दो। इसका मतलब होता है जोड़ो मगर डायरेक्शन को भी ध्यान में रखे। क्योंकि एक बात बताइए, आप ही जानते हो, बताइए ये 10 और 10 कितना आंसर आएगा, 20। और यदि अब बोलूं मैं 10 और 10 अब कितना आंसर आएगा, 0। तो वही 10 और 10 20, वही 10 और 10 0, क्या अंतर आ गया, डायरेक्शन का। तो आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि डायरेक्शन को ध्यान में रख के जोड़ा कैसे जाता है। और समस्या केवल इतनी ही होती तो शायद ये मैं सिखाता भी नहीं, समस्या तो आगे भी आपका वेट कर रही है ना। एक 10 न्यूटन ऐसे हो और एक 10 न्यूटन ऐसे हो, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। इस समस्या का इलाज ढूंढने के लिए ही आज आपको ये सीखना पड़ेगा। तो चलिए, पहली बात तो ये कि ये और ये ध्यान रख लेना क्या चीज है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, ये वेक्टरों का एडिशन है। अब दूसरी चीज, सपोज करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप जोड़ने में सफल हो गए और आप सीख गए। मान लो मैं आज से 2 दिन की बात कर रहा हूं, सीख तो खैर आज भी जाओगे थोड़ा बहुत, 2 दिन की बात कर रहा हूं, जब आप ट्रेंड हो चुके वेक्टरों को जोड़ना, तो जो वेक्टर को जोड़ के आएगा आंसर, हम उसको जनरली आर बोलते हैं। ध्यान रखना, जब दो हिंदुओं की शादी होगी तो औलाद भी तो हिंदू पैदा होगी, समझ गए, यानी वो भी वेक्टर ही आएगा, उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। और इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एक वचन में। और इनको बोलते हैं जो जुड़ता है, जो जुड़ रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स, जो बहुवचन में होंगे वेक्टर्स, ये बहुवचन में होंगे। बिगनर लेवल पे तो ऐसे ही सिखाऊंगा मैं भाई, जब और बड़े हो जाओगे भाई, जब और सीखने लग जाओगे फिर आपको ये भी सिखाया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब बच्चा पहली बार एडिशन में कदम रखता है, छोटा बच्चा जब पहली बार शायद थर्ड या फोर्थ में या शायद सेकंड में सिखाते होंगे, आई डोंट नो किस क्लास में, तो उसको पहले ये वाला सम देते हैं या ये वाला सम देते हैं, पहले कौन सा वाला सम सिखाया जाता है। ऑब्वियसली पहले दो नंबरों को जोड़ना सिखाते हैं, उसके बाद 3, 4, 5 नंबरों को जोड़ना सिखाएंगे। तो वही चीज, तो पहले मैं आपको दो वेक्टरों को तो जोड़ना सीख लो, धीमे धीमे चलना चाहिए, पहले दो वेक्टरों को तो जोड़ना सीख लो, फिर तीन को भी जोड़ना सीख जाओगे। लेकिन सपोज करो आज से 4 दिन 5 दिन बाद जब आप 3 वेक्टरों को जोड़ना भी सीख गए, तो जो रिजल्ट आएगा उसे रिजल्टेंट वेक्टर ही पुकारेंगे, और जो जुड़ रहे हैं यहां से लेके यहां तक, इनको कंपोनेंट वेक्टर्स बोलेंगे। यानी जो जुड़ते हैं उन्हें कंपोनेंट वेक्टर्स बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्योंकि नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो नई
नए वर्ड तो आएंगे ना, नए डिक्शनरी तो वर्ड वोकैबुलरी आएगी ना भाई, जब नई लैंग्वेज सीख रहे तो नई नई वोकैबुलरी आएगी, तो कंपोनेंट वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर। अब मेरी लैंग्वेज समझना, मैं समझाने के लिए मेरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, रिजल्टेंट वेक्टर को पापा वेक्टर बोलता हूं मैं, ये पापा वेक्टर है और इनको बोलते हैं औलाद वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? औलाद। क्यों बताता हूं, क्यों मैंने ये नाम रखा, ये नाम सिर्फ, अब हर टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरे तरीके में ऑफिशियल नाम रिजल्टेंट वेक्टर है, कंपोनेंट वेक्टर्स है। वाई बाबे में ये बोल मत देना ए प्लस बी का आंसर पापा वेक्टर रहेगा, ये कभी बोल मत देना, ठीक है। चलिए, क्यों मैंने ये नाम दिया कि वो पापा वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि देखो ए प्लस, अच्छा ये बताइए, दो प्लस तीन इक्वल टू पांच, इसका क्या मतलब है? एक तराजू में 2 ग्राम और 3 ग्राम का वजन रख दो और एक तराजू में 5 ग्राम का वजन रख दो, तो 5 ग्राम में क्या टशन होगा? इन दोनों के वजन के बराबर है ना, है या नहीं भाई? एक तराजू के पलड़े में 2 ग्राम और 3 ग्राम दोनों रखे हैं और एक तरफ 5 ग्राम रखा है, तो वो 5 ग्राम में क्या टशन है? तुम्हारा बापू में। अच्छा ऐसे समझो, यदि कोई बंदा पत्थर घिसका रहा है, दो लोग पत्थर खिसका रहे, जोर लगा के है हिस्सा, जोर लगा के है हिस्सा, तब जाके वो पत्थर खिसका पा रहे। मान लो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो फोर्स लग रही है, तब जाके वो पत्थर खिसका पा रहे। अब एक पहलवान आदमी है, वो उन्हें देख रहा हो, क्या है यार इस काम के लिए दो दो लोग लगे हुए हैं, एक काम के लिए दो दो लोग, वो क्या कर रहे हैं? ए हटो तुम दोनों, हटो हटो, इक्वल टू हटो, हटा सावन की हटा बत्ती मुझे टुकले टुकले सबसे बुद्धि है ना। अब वो आ जाए और यहां आके कहे 16 न्यूटन अकेले लगा दूंगा मैं, अकेला अकेला, तो ये औलाद वेक्टर हो गए, ये पापा वेक्टर हो गए। अब पापा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब कोई पहलवान अकेले कोई काम कर दे तो वो क्या कहता है? तुम्हारा बापू में, उसमें टेंशन होती है कि नहीं, चल चल अपने बाप को मत सिखा, है ना, तो भाई ये बाप वेक्टर हो गया। तो इसीलिए इन्हें बोलेंगे हम कंपोनेंट वेक्टर, और इन दोनों का काम जो अकेला कर दे, एक ऐसा स्मार्ट और ताकतवर वेक्टर। अच्छा मैंने दो वर्ड बोले, स्मार्ट और ताकतवर, एक ऐसा स्मार्ट और ताकतवर वेक्टर जो वही काम करे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। अच्छा एक और बात बता दूं, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये नहीं है। 10 न्यूटन 6 न्यूटन इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्ट ये नहीं है, दिस इज नॉट रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज नॉट रिजल्टेंट वेक्टर, और ना ही ये रिजल्टेंट है। ये रहा 10 न्यूटन और ये रहा 6 न्यूटन इज इक्वल टू 16 न्यूटन, ये भी नहीं है रिजल्टेंट, ये भी नहीं है रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्ट मैंने कहा ना, हिंदू की शादी होगी तो बच्चा भी हिंदू ही होगा, है ना, जो रिजल्टेंट है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। रिजल्टेंट वेक्टर किसे बोलते हैं? एक ऐसा अकेला वेक्टर, वेक्टर लिख रहा है, वेक्टर्स नहीं लिख रहा, औलादे कई हो सकती है, औलादे कई हो सकती है, पापा एक ही होंगे ना, पापा तो एक ही होंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन प्लीज सुनिए, इट इज दैट स्मार्ट एंड ताकतवर वेक्टर, हालांकि इट इज दैट सिंगल वेक्टर, इट इज दैट सिंगल वेक्टर which would produce the same effect, which would produce same effect single-handedly in magnitude and in direction as that of its component vector. मैंने not equal to लिखा है बेटा, मैंने क्या लिखा है देव, आप अभी अभी late join हुए क्या? मैंने क्या लिखा कि 10 और 6 का resultant 14 नहीं है, ये लिखा है मैंने, 10 और 6 का रिजल्टेंट 14 नहीं है, नॉट इक्वल टू लिखा है ना, ठीक है। और मैंने ये भी लिखा है 10 और 6 का रिजल्टेंट ये 16 न्यूटन भी नहीं है, बी केयरफुल मैं क्या पढ़ा रहा हूं, 10 और 6 का ये 16 न्यूटन है। तो मैं रिजल्टेंट की डेफिनेशन सुनिए प्लीज, रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर विच वुड प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन सिंगल हैंडेडली as that of its component vector are producing together. मेरी इंग्लिश कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी बहुत अच्छी नहीं है इसका फायदा क्या है बताऊं, मैं बहुत कोई हैवी वर्ड नहीं ढूंढ पाता, तो बहुत सस्ते शब्द ढूंढता हूं अपनी बात को डिफाइन करने के लिए। सोचो शशि थरूर जैसी इंग्लिश होती है ना,
तो अगेन आई एम रिपीटिंग, समझिए कि क्या कहना चाह रहा हूं। रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर, अकेला वेक्टर विच वुड प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन सिंगल हैंडेडली एज प्रोड्यूस बाई इट्स कंपोनेंट वेक्टर। समझ में आया, कंपोनेंट वेक्टर मिलके जो इफेक्ट पैदा करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, वही इफेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अकेला पैदा कर देगा। अब बताइए 106 का आंसर 16 न्यूटन ये तो था, पर 106 का रिजल्टेंट ये 16 क्यों नहीं था? क्योंकि ये दोनों मिलके उधर पत्थर खिसका रहे थे, लेकिन ये 16 न्यूटन तो कुछ और ही कर रहा है, तो इसलिए इस 106 का रिजल्टेंट ये नहीं है। ये इसमें क्या कमी थी, इस 106 में मैग्नीट्यूड 14 नहीं आएगा, ये डायरेक्शन में तो वही इफेक्ट ला रहा है पर मैग्नीट्यूड में वो इफेक्ट नहीं ला रहा। बोलो समझ में आया या नहीं आया रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? एक और चीज, एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। नहीं सही आ रही है बेटा स्क्रीन की, रिजल्टेंट वेक्टर इज जरूरी नहीं हो पहलवान ही हो, स्मार्ट भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो ये है 10 न्यूटन और ये 4 न्यूटन लग रही है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का आएगा 6 न्यूटन। तो अकेला ऐसा वेक्टर जो वही कहानी लिख जाए, जो वही इफेक्ट पैदा कर जाए जो ये दोनों मिलके कर रहे थे। समझ में आया या नहीं आया? रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर विच वुड प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन को सौतेलापन नहीं निभाना कि केवल मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं, यहां डायरेक्शन की भी उतनी इज्जत है फैक्टर में बेटा। डायरेक्शन बर्बाद, यदि डायरेक्शन पे नहीं ध्यान दोगे तो रिजल्ट बर्बाद हो जाएंगे आपके, दोनों की बराबर औकात है। चलिए होपफुली कि आपको ये भी चीज समझ में आ गई कि रिजल्टेंट वेक्टर। अब आते हैं, पहले मैं 2 वेक्टरों को जोड़ना सिखाऊंगा, फिर बाद में 3-4 वो तो सब सीख जाऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक हाउ टू एड 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टरों को एड कैसे करते हैं, आखिरकार इस शब्द का मतलब क्या है। फील तो आ रहा है कि यार हाँ डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ना डायरेक्शन को ध्यान में रख के जोड़े तो जोड़े कैसे, डायरेक्शन को ध्यान में रख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान चीज है बेटा, ये मान के चलिए आपने पढ़ा हुआ है, बस मैं उसे अरेंज करूंगा एक नए तरीके से, ठीक है। देखिए क्या, मान लो एक सबसे तो देखिए, यदि 2 वेक्टर ऐड करने हैं, 2 वेक्टर ऐड करने हैं तो वेक्टर एलजेब्रा में 2 नियम है, या तो इस रूल से ऐड कर लेना या इस रूल से ऐड कर लेना, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जो भी आपको लगता है परिस्थिति में अच्छा लगे। अच्छा जैसे आप ट्रायंगल का एरिया निकालते हो तो 2-2 फॉर्मूले हैं कि नहीं, एक हाफ बेस इनटू हाइट और एक हीरोज फॉर्मूला है ना, परिस्थिति के हिसाब से आप चुन लेते हो, एरिया तो दोनों से वही आएगा, अलग अलग तो नहीं आएगा। तो ये दोनों जो मैं अभी खोलने जा रहा हूं, देयर आर 2 रूल्स इन वेक्टर एलजेब्रा फॉर द एडिशन पर्पस ऑफ 2 वेक्टर्स। एक रूल कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक कहलाता है पैरेललोग्राम। ये बेटा मेरी आलसी बने का सिंबल है, पैरेललोग्राम मैंने भी कहीं सीखा होगा, मुझे ये नहीं पता कहां से कहता, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देयर आर 2 लॉ, जो आपको अच्छा लगे, अलग अलग नहीं, मतलब इनसे अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, और ना ही ऐसी कोई शर्त है कि 2 वेक्टरों को ऐड करने के लिए यही लगाना है या यही लगाना है, कभी भी कोई सा लगा सकते हो जब आपको जो अच्छा लगे। तो चलिए अब एक बार में 3 इडियट का वायरस तो होनी कि मैं ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम दोनों समझाऊं, इसलिए पहले ट्रायंगल लॉ को पकड़ते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन मेन एडिंग ध्यान रखना, अभी 2 वेक्टरों को जोड़ना सिखा रहा हूं, सिर्फ 2 वेक्टरों को, 2 वेक्टरों को जोड़ना है तो इससे या इससे, जब 3, 4, 5 आएंगे वो कहानी बात की बात है। तो चलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो आप जानते हो बहुत सिंपल, बताना एक आदमी ऐसे गया और फिर ऐसे गया, जा सकता है ना, मैं पहले ऐसे चलूं और फिर ऐसे मुड़ के ऐसे चलूं, है बाइक से जा रहे हो किसी सड़क पे, फिर अचानक तिरछी कोई गली नहीं आ सकती, ऐसे जा सकता है। तो कोई आदमी पहले ऐसे चला, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, मतलब उसकी एंटायर जर्नी का पहला डिस्प्लेसमेंट ये रहा, फिर आगे जाके ऐसे गया, दिस इज सेकंड डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो बताइए यदि हमसे कोई पूछे कि एक आदमी ऐसे गया फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो फाइनली वो कितना डिस्प्लेस हो चुका है, कितना डिस्प्लेस हो चुका है। अब बेटा मेरी मजबूरी कि मैं अलग कलर यूज करूंगा लेकिन अब दिखेगा नहीं। देखना बेटा, एक आदमी ऐसे यहां से शुरुआत की, लेट दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट, यूं गया फिर यूं गया, यहां एंड कर दी उसने अपनी जर्नी। और आपसे कोई पूछे कुल कितना डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस माने डिस्प्लेसमेंट माने द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो आप बोलोगे सर ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का मतलब बताइए, ये है रिजल्टेंट, क्योंकि देखो औलादे ऐसे जा रही थी, मैंने बोला था ना रिजल्टेंट जरूरी नहीं है ताकतवर ही हो, स्मार्ट भी हो सकता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर व्हिच वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर आर प्रोड्यूसिंग। औलादे ऐसे ऐसे, कंपोनेंट वेक्टर ऐसे ऐसे जाके तब जाके इस पॉइंट पे पहुंचे, आई से स्टार्ट हुए हाँ यहां पहुंचे, ये स्मार्ट वेक्टर था सीधे यूं जाओगे तो एग्जैक्टली तब भी तो वही काम होगा, बोलो तब भी तो यदि इस तरीके से जाते तब भी तो वही काम होगा। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये है, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये है। आया नहीं आया समझ में, इस ये समझ में आया कि नहीं, इन दोनों डिस्प्लेसमेंटों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये है। रिजल्टेंट माने स्मार्ट वेक्टर विच वुड प्रोड्यूस वही इफेक्ट एज दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर आर प्रोड्यूसिंग। ऐसे जाके ऐसे गए, आप ऐसे जाते तब भी तो आई से एफ पर पहुंचते, ये है बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। अब बताइए जब मैं ये रिजल्टेंट वेक्टर को, पहले क्या था ऐसे गया ऐसे गया, अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर पता करना है, तो जब मैं रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर रहा था, मेरे रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते ही एक ट्राइंगल सामने जनरेट हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर खींचते ही एक ट्राइंगल आ गया, आ गया नहीं आ गया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो S1 और S2 का वेक्टर सम है, ये दोनों मिलके जो काम कर रहे थे रिजल्टेंट अकेला कर देगा, ठीक है समझ में आया। ये दोनों मिलके जो कर रहे थे, ये R, ये वाली लेंथ, ये वाली जो चीज होगी ये अकेला कर देगी, ये जो ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर रहे थे, होपफुली कि इतना समझा पाया। अब बातों ही बातों में एक ट्राइंगल बन गया नहीं बन गया, तो इसी को शब्दों में बदल दीजिए। यदि मैं इस पूरे सीन को आपके सामने, जो मैंने सीन क्रिएट किया है, एक एक बातें यदि मैं दोबारा से ये वीडियो चलाऊं, हर चीज का वीडियो धीमे धीमे चलाऊं, उसको यदि शब्द देता चला जाऊं, तो एक स्टेटमेंट जनरेट होगा, उसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। एक बार और प्रैक्टिस करता हूं, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट का ही ले लेता हूं, एक आदमी ऐसे गया और फिर ऐसे गया, है ना, यहां से गया ऐसे गया ऐसे गया, लेट दिस इज ए वेक्टर दिस इज बी वेक्टर, ऐसे जाके ऐसे चला गया, तो अब रिजल्टेंट यही तो होगा, यही तो होगा रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, ए और बी का, यानी ये दोनों मिलके जो आपका काम करेंगे ये वाला अकेला कर देगा, फिर ट्राइंगल बन गया। इसी से सीख लेते चलो, बताना एक आदमी ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया, है ना, तो इतना लंबा जाने की क्या थी, दिस इज ये, अच्छा ये बताइए ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, पल्ले पड़ रहा है नहीं पल्ले पड़ रहा आपको, तीनों एक ही बात है, तीनों में एक ही चीज आ रही है, बार बार ट्राइंगल बन रहा है। फिर एक और बात देखिए, देखते चलो क्योंकि तो इसमें कुछ चुल है वो भी मैं सामने लाऊंगा। अब आ जाइए एक मिनट, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो हम लिखते हैं ना इसका कतई मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू यदि 6 और इसकी भी, इसकी वैल्यू समझ करो 4 हो तो ये आंसर 10 ही आएगा, यदि इसका मैग्नीट्यूड 6 और इसका 4 हो तो कतई मतलब नहीं है इसका आंसर 10 आएगा, जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के, ये आंसर 5 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है, डिपेंड करेगा इनके बीच का एंगल क्या था, सिचुएशन क्या थी। अब देखिए एक आदमी ऐसे गया फिर ऐसे गया, अब मैंने एक बड़ा और एक छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि वो पहले बड़ा गया होगा, लंबी लेंथ खिसका होगा, फिर वो थोड़ा सा खिसका होगा, तो इसका मतलब जब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, जब भी मैं ये फिगर ड्रॉ करूंगा, इस बात का दिमाग में जरूर रखूंगा जो मैंने वेरी फर्स्ट डे पढ़ाई थी, जो वेक्टर जितने मैग्नीट्यूड का होगा उसको उतनी बड़ी लेंथ देनी होगी,
और जिस डायरेक्शन में होगा उधर ही एरो देना पड़ेगा। यदि वो इधर की बजाय इधर मुड़ता है तो ये एरो दोगे, इधर की बजाय जैसे सपोज करो एक आदमी 10 मीटर चला और फिर 4 मीटर चला, 10 मीटर के लिए ये एरो दे देना, 4 मीटर के लिए इतना एरो दे देना, ठीक है, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। अब इन सभी फिगर में कॉमन बात देखेंगे, कॉमन बात, सीआईडी सीआईडी खेलते तब बताता हूं। अच्छा मुझे ये बताना, एक अजीब सा शब्द बोलूंगा, एक आदमी देखना कुछ अजीब सा लगे तो बताना, अजीब सा लगे तो बोल देना हाँ सर अजीब सा तो कुछ लग रहा है। एक आदमी ऐसे गया और फिर ऐसे गया, एक आदमी ऐसे गया फिर ऐसे गया, सही लग रहा है या कुछ अजीब सा लग रहा है? क्या अजीब सा लग रहा है? अरे जब वो यहां आ गया तो यहीं से तो चलेगा, यहां कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक, अजीब सा ये है कि जब वो यहां से यहां चल चुका, नहीं 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 अजीब ही है ये। अभी सुनिए, एक आदमी मेरे शब्द से तो मैच नहीं कर रहा ना ये फिगर, मेरे शब्द से मैच नहीं कर रहा, अजीब ही है, ठीक है। एक आदमी यदि ऐसे चल लिया तो फिर यहीं से तो कुछ होकर चलेगा, यूं चले यूं, ये कैसे हो गया? तो इसीलिए इसका मतलब एक आदमी यूं चला और यूं चला, यहां मैं यूं कहूं ये रिजल्टेंट होगा, तो ये कुछ बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी यही, क्योंकि एक आदमी ऐसे चला फिर ऐसे चला, ये रिजल्टेंट, ये तो वाहियत बात है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो मैं अब स्टेटमेंट खोलने जा रहा हूं, उसकी जो शर्त है वो ये है, ये लगेगा ही तब जब दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, दोनों वेक्टर से जिन दो वेक्टरों को जोड़ना है वो सेम ऑर्डर में हो। अब ये सेम ऑर्डर वर्ड क्या है? सेम ऑर्डर मतलब एक जहां खत्म हो दूसरा वहीं शुरू हो, एक जहां पे खत्म हो दूसरा वहीं से शुरू हो, सेम ऑर्डर, यहां ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस बोल सकते हो। या फिर एक मिनट, जैसे मैं आपसे कहूं बिना मेरे एक बार फिर मैं एक दो वेक्टर बना, मतलब लाइन खींच रहा हूं, ये अभी जो मैंने हरकत की सपोज करो मैंने वीडियो बना ली उसकी, अब वो वीडियो दोबारा से चला रहा हूं, तो पहले मेरा ऐसे स्ट्रोक गया और फिर ऐसे स्ट्रोक गया, बताना ऐसे से ऐसे खींचने के लिए मुझे चौक उठानी पड़ी थी क्या? मुझे बताइए, ऐसे ऐसे चलने के लिए मुझे क्या चौक उठानी पड़ी थी क्या? नहीं उठानी पड़ी, लेकिन ऐसे ऐसे खींचने के लिए मुझे चौक उठानी पड़ी या नहीं, ये बताओ। इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए मुझे चौक उठानी पड़ गई, आपको पेंसिल उठानी पड़ जाएगी, लेकिन इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए मुझे चौक नहीं उठानी पड़ी। तो सेम ऑर्डर का मतलब होता है उसी फ्लो में उसी रिदम में उसी फ्लो में चल रहा हूं। तो यदि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे, है ना, तब ट्राइंगल लॉ लगेगा। देखो गौर से देखो, इसमें बताना एस वन और एस टू सेम ऑर्डर में है या नहीं, चेक करिए एस वन एस टू एक ही स्ट्रोक में है या नहीं, एस वन और एस टू सेम ऑर्डर में है। इसमें देखो ए और बी सेम ऑर्डर में है या नहीं, मतलब जो जुड़ रहे हैं जो औलादे होंगी जो कंपोनेंट होंगे वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। इसमें देखिए गौर से ए और बी सेम ऑर्डर में है या नहीं है, चेक करिए ये इन तीन फिगर को चेक कर लीजिए। जब दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, है ना, तो जो अब देखिए एक वेक्टर ये रहा एक वेक्टर ये रहा, दोनों वेक्टर यदि सेम ऑर्डर में हो तो जो तीसरी साइड होगी जो हम खींचेंगे और अपोजिट ऑर्डर में खींचना है। गौर से देखो अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि फिर से सुनो यदि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो जो तीसरी साइड हम खींचेंगे अपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट वेक्टर होगी। दो वेक्टर हम सेम ऑर्डर में खींच दें तो जो तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट होगी। ये अपोजिट ऑर्डर वर्ड क्या है मैं एक बार फिर समझाता हूं, बताना फिर से देखना, बताना ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में है या नहीं, सेम ऑर्डर में ना, एक आदमी ऐसे गया ऐसे गया। अब बताना यदि मैं उस ऑर्डर को कंटिन्यू करता, उस ऑर्डर को बिना चौक उठाए तो ऐसे करके ऑर्डर आना था, सोचो यदि मैं इस ट्राइंगल, देखो ऑर्डर रिदम तो ऐसे आ रहा था ना, रिदम ऐसे आ रहा था या नहीं आ रहा था, बताना। जैसे ये पहला कंपोनेंट वेक्टर ए है, ये दूसरा कंपोनेंट वेक्टर है, उसी स्ट्रोक में कंटिन्यू हो गया, ये उसी स्ट्रोक में कंटिन्यू हो गया सी वेक्टर, बोलो हो गया नहीं हो गया, ये तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है या नहीं है। जैसी ए खत्म हुआ बी चालू हो गया, बी खत्म होते ही सी चालू हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होगा, बताइए कैसा होगा,
अपोजिट ऑर्डर में, हाँ उस ऑर्डर के अपोजिट होगा। इस वर्ड का मतलब ही यही है। तो सेंटेंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, व्हाट आई एम सेइंग, फिर से देखते हैं, यदि दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं, और ये सिर्फ ट्रायंगल की दो साइडें नहीं है, ये इशारे हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, बताना ये केवल ट्रायंगल की एक साइड नहीं है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, सपोज करो ये ओ और ये पॉइंट ए है, तो ओ से ए तक की जो लेंथ है वो ए का मैग्नीट्यूड है, और ये जो एरो है ये ए की डायरेक्शन है। फिर सपोज करिए ए से बी तक की जो लेंथ है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यदि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता तो ये वाली आपको बड़ी बनानी पड़ेगी साइड, और बड़ा है तो ये वाली साइड और बड़ी बनानी पड़ेगी। मतलब आपको जब ट्रायंगल खींचोगे तो पहले दो साइड खींचेंगे, जैसा मैग्नीट्यूड हो उतनी लेंथ बनाना, जैसा मैग्नीट्यूड हो वैसी लेंथ बनाना, और जैसी डायरेक्शन हो वैसी डायरेक्शन करना। समझ में आ गया यहां तक? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, सेंटेंस ये भी डालना जरूरी था, यदि वो दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट हो गए और हैविंग सेम ऑर्डर या टेकन इन सेम ऑर्डर, एक ही फ्लो में लेने हैं, देन ये दोनों चीज सेट हो जाए, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, जो पापा वेक्टर होगा, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। हा बेटा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में जो आप रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में तीसरी साइड खींच देना, अपोजिट ऑर्डर में तीसरी साइड खींच देना। तो अब ये जो तीसरी साइड खींची है, इसकी जो लेंथ होगी वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगी, इसका जो एरो होगा या इसकी जो डायरेक्शन होगी वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। दे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड स्केल बनाना, देखो बेटा ग्राफ अंदाजे से ले लेना, ये तो तुम ये तो अंदाजे से ले लेना, लेकिन यदि ग्राफ पेपर आ जाए जो आएगा नहीं आएगा तो फिर स्केलिंग लेनी पड़ती है, ठीक है ना, वो तो अंदाजे से ले लेना, जो जितना बड़ा हो, इंची टेप लेके मत करना, बहुत टाइम लगेगा, अंदाजे से लेके आगे बढ़ेंगे हम, जो बड़ा है उसको थोड़ी बड़ी लेंथ दे देना, जो छोटा है उसको छोटी लेंथ दे देना। बताइए ये सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया? ट्रायंगल लॉ यानी ये नहीं है ट्रायंगल लॉ, ये है ट्रायंगल लॉ, ये नहीं है, क्योंकि यदि एक आदमी ऐसे गया और ऐसे गया तो दिस इज नॉट द रिजल्टेंट, ऐसे गया दिस इज द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट है ये? ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अब मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, धीमे धीमे बोलूंगा, यदि आपके पास नोट्स हैं तो नोट को साथ साथ लेना पढ़ना, नहीं तो इसके बाद पढ़ना। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल नहीं बनाना नंगा, एरो भी डालने हैं उसमें, खाली ट्रायंगल नहीं बनाना, एरो भी डालने, डायरेक्शन भी डालनी है, जिस वेक्टर की जिधर डायरेक्शन हो, यदि ये इधर है तो एरो इधर बनाना, ये वाला फिर ये इधर है तो ये वाला एरो इधर बनाना। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, शर्त है ट्रायंगल लॉ की सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, ऐसे तो ये ट्रायंगल लॉ लग ही नहीं सकता, नहीं लगेगा ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, देन इतना काम हो गया, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब मैं आपको 20 सेकंड 25 सेकंड दे रहा हूं रिकॉर्ड, सबको आगे आप आगे देखिए, ये तो था ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, यानी ट्रायंगल लॉ कब एक्टिवेट करना है, जब दोनों साइड सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है
पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो ये वाली सिचुएशन हो और मुझे ये दो वेक्टर जोड़ने हो, समझिएगा ये दो वेक्टर जोड़ने हो, अभी के अभी यही के यही जोड़ने हो तो ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा फर्स्ट इंप्रेशन में, नहीं लगेगा ना फर्स्ट इंप्रेशन में, ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा फर्स्ट इंप्रेशन में। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ की शर्त यह है वो उन्हीं दो वेक्टरों को ऐड कर सकती है जो सेम ऑर्डर में हो, ऐसे करके फ्लो हो। एक आदमी ऐसे गया और एक ऐसे गया, सेम ऑर्डर में गया, तब रिजल्टेंट निकाल पाएगी। लेकिन चलो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो, ऐसी परिस्थिति आ गई आप कर लोगे। लेकिन यदि कोई पत्थर है उस पर एक फोर्स इधर लग रही है और एक इधर लग रही है तो समस्या तो ये भी है ना, बताइए दो फोर्स लग रही है और वो कोइनिशियली लग रही है, ये सेम ऑर्डर में नहीं लग सकती। भाई पत्थर ये ना एक धक्का इधर दे रहा है, एक धक्का इधर दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा, तो थोड़ी देर के लिए मैं पत्थर को छोटा कर रहा हूं, शक्तिमान बन जाता हूं, निचोड़ के गोली बना देता हूं ताकि आपका ध्यान सिर्फ फोर्सों पे रहे। एक फोर्स ये रही और एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही और एक फोर्स ये रही है या नहीं, बोलो। अब इसका बताइए इस पत्थर पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, इच्छा तो है हमारी जानने की पर ट्रायंगल लॉ। अब बताना पत्थर तो, अब इस फोर्स को समझना, दोनों फोर्स को इनिशियली लग रही है, रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको हम ट्रायंगल लॉ से तो नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, तो फिर हम इसको ट्रायंगल लॉ से करेंगे। ये गलत सुना क्या, सही सुना। अब जुगाड़, जुगाड़ क्या, सोचिए मुझे F1 F2 जोड़ने हैं, या मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, ए बी लिख देता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर जोड़ने हैं, ए में बी वेक्टर जोड़ना है, तो पता है क्या करिए, चुपचाप इधर खिसका दीजिए इसको। इमेजिन करिए यदि मैं बी वेक्टर यहां खिसका दूं, वही मैग्नीट्यूड, अच्छा ये बताओ ये इक्वल वेक्टर है कि नहीं, वही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन, चलो मैं ये पूछता हूं इक्वल वेक्टर है नहीं, क्या होते हैं इक्वल वेक्टर, यदि मैं यही मैग्नीट्यूड यही डायरेक्शन इसकी यहां से यहां स्केच कर दूं, तो यदि ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, तो बताइए आप इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल पा रहे, इन दोनों का तो निकाल पाओगे, जुगाड़ देखिए जुगाड़, क्योंकि ये दोनों पे ट्रायंगल लॉ नहीं लग रहा पर इन दोनों पे तो ट्रायंगल लॉ लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में नहीं थे पर ये दोनों तो सेम ऑर्डर में है या नहीं है। आप ए और बी का रिजल्टेंट नहीं निकाल पा रहे पर ए और बी का तो निकाल लोगे, सुनने में जरूर अजीब सा लग रहा है लेकिन मेरे इशारे के साथ देखना, आप ए और बी का रिजल्टेंट नहीं निकाल पा रहे पर ए और बी का तो निकाल लोगे, बिल्कुल ठीक, ये थी जुगाड़। तो बताइए क्या आएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बताना, एक्टिंग करो, सिर्फ ये दो दिख रहे हैं, ये दो दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये रिजल्टेंट होगा या नहीं होगा, बोलो अपोजिट ऑर्डर में, ये जो मैंने ये खींचा, ये जो मैंने खींचा, रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, मानते हो ना। अब इसी बात को शॉर्टकट में कैसे बोल देते हैं, सुनिए वो क्या बोल देते हैं, देखिए यदि किसी पॉइंट पर दो वेक्टर ऐसे लग रहे हो, अब ये वेक्टर सेम ऑर्डर के नहीं है, ये है वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये क्या है बेटा, को इनिशियल वेक्टर है ये, दीज आर द टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट हो और उनका रिजल्टेंट यदि मुझे और आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम एक पैरलोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब सुनना, पैरलोग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो ये जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। अब सोचो पैरलोग्राम ड्रॉ करने से डायगोनल रिजल्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि सोचो हमने पहले इसके पैरेलल एक खींचा, जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, ये पैरेलल है, तो ये अब एक पैरलोग्राम ही ड्रॉ हुआ होगा। सोचो यदि मैं ये एक पैरलोग्राम का डायगोनल ही तो है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि इसको उधर खिसका दिया, लेकिन अब आगे क्यों खिसकाएंगे जब हम सेटिस्फाइड हो गए। हमने क्या कर दिया कि यदि एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट हो तो आप एक, मैं एक जगह था तो चौकी एक वो गार्ड था, वो कह रहा ए भाई ये बीएमडब्ल्यू अपनी हटाओ यहां से, हटाओ हटाओ यहां से बीएमडब्ल्यू, मैंने उसको जाके गले लगा लिया सीधे ही गले क्यों लगा रहा है बीएमडब्ल्यू, भाई ये मेरी बीएमडब्ल्यू मेरी नहीं है, नहीं है तो गले क्यों लगा रहा है, तो मैंने कहा तूने मेरी शकल देख के ऐसा लगा कि ये बीएमडब्ल्यू मेरी हो सकती है, मुझे अच्छा लगा कि उसे ये लगा मेरी शकल देख के कि वो बीएमडब्ल्यू मेरी हो सकती है, तो उसे थैंक्स बोल के आया कि वैसे तो मेरी नहीं है ये। चलिए तो बेटा मैं तो बेटा जब रास्ते में जा रहा था तो एक बार साइकिल का पैडल मिला, मैंने उसे उठा लिया ये सोच के कि इसमें कभी साइकिल डलवा लूंगा,
ये सोचिए, तो ऐसी मैंने गाड़ी की चाबी मिल गई है रास्ते में, इसमें भी गाड़ी डलवा लूंगा। चलिए तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, पैरलोग्राम। पैरलोग्राम लॉ पे आते हैं तो आप समझिए क्या टेक्निक थी। वाह वाह मजा आ गया। ट्रायंगल लॉ है अंदर से, है ना, अंदर से तो ट्रायंगल लॉ है कि आप इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकाल पा रहे, तो आपने इन दोनों का निकाल दिया। तो क्या है बेटा, यदि दो वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट हो, उस समय ऐसे करके दो वेक्टर हो, चलो एक बड़ा और एक छोटा हो, ये भी हो सकता है ना, एक बड़ा और एक छोटा हो। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, और यहां क्या था, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, ये अंतर है बस इसमें थोड़ा सा। यदि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में मिल जाए तो ट्रायंगल लॉ चिपका देना, और यदि दो वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट है तो वहीं की वहीं पैरेललोग्राम लॉ लगा देना। ठीक है ना, स्क्रीन ठीक है बेटा, मेरी तरफ से ठीक है। ठीक है अब बताइए तो क्या करना है, यदि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो पहले यहां पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना। पैरेललोग्राम उससे क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ जाएगी। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, देन द डायगोनल एक्ट ड्रॉ फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जो डायगोनल खींचेगा, डायगोनल तो ये भी होता है पर आप जानते हो ना ए और बी का रिजल्टेंट ये था ना कि ये था, ए और बी का रिजल्टेंट ये था। ठीक है तो ये वाला जो डायग मतलब ये रहा वो पॉइंट जिस पर ए और बी औलादे लग रही है, तो पापा भी उसी पॉइंट से होंगे, उसी पॉइंट से। दिस इज द रिजल्टेंट किसका, ए और बी का। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये तब लगता है जब दो वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट हो, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, और ये तब लगता है जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में। तो इसका स्टेटमेंट बोलू धीमे धीमे, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। समझ में आ गया, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। जल्दी से बेटा स्टेटमेंट की एक एक बारी किया, पैरेललोग्राम की जो थोड़ा एक दो पेज बाद। सच्चाई ये है कि आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी लगा सकते हो दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए। बताना ये दो वेक्टर ऐड करने हैं, मान लो ये दो वेक्टर ऐड करने हैं, है ना, ऐसे लो इनको ऐड करो, तब आपके पास चॉइस है, आप क्या करोगे, या तो इस वेक्टर को यहां उठा के यहां रख दो, तो देखो फिगर ऐसे दिख जाएगा। सोचो टेल से टेल मतलब इसके हेड से इसकी टेल मिला दो, भाई ये दो वेक्टर जोड़ने, तो इसको एज इट इज ऐसे यूनी करना एज इट इज खिसकाना है, आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलने का हक नहीं है, या तो ऐसे कर लेना या फिर इसको उठा के ऐसे रख देना। समझ गए नहीं समझ गए, अब आप बताओ, ऐसे उठा के रखोगे तो ट्रायंगल लॉ लगा के रिजल्टेंट निकाल देना, और ऐसे उठा के रखोगे तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के कर देना। आंसर दोनों से आप बिलीव मी सेम आने वाले हैं। तो यानी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम कोई अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब मैथमेटिक्स और स्टार्ट करें, क्योंकि जब मैं मैथमेटिक्स और फिर उसके एग्जाम्पल बताऊंगा तब उतना और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए जो ट्रायंगल लॉ है उसको दोबारा रिपीट करते हैं, ट्रायंगल लॉ की एक मैथमेटिक्स भी करनी है। देखिए मान लो ये रहा एक वेक्टर, लेट दिस इज ए वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड एट पॉइंट ए, यहां से ये कोई दूसरा वेक्टर, उस सबको नींद आ रही है, यानी मास्टर को नींद आने लग जाएगी उस समय। चलिए टैंग और लेकिन उससे फिर भी इतना नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ में बच्चे आराम से रजाई हुए बैठ के गया, वो एटलीस्ट दिख तो नहीं रहे, और कुछ तो ये सो भी गए होंगे, नाश्ता पानी भी चल रहा होगा साथ में, है नहीं, देखो मुंह में पानी आ गया, यूं करके यूं चल भी रहा होगा, कुछ भी मिल जाए। चलिए इधर देखिए, तो ये रहा बेटा बी वेक्टर और ये रहा पॉइंट ए, ये भी समझ रहे हो क्या किया मैंने, कि एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, सेम ऑर्डर में है कि नहीं, सेम स्ट्रोक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, अपोजिट स्ट्रोक यानी अपोजिट ऑर्डर में, ऐसे ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बातें तो बहुत कर ली हमने, अब काम करते हैं। यदि तुमको देखो सवाल में क्या होगा, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में सारी बातें बताएंगे, वो आपको ए का मैग्नीट्यूड बताएंगे, ए का मैग्नीट्यूड कहां छिपा हुआ है, जो ओए की लेंथ है ना, ओए
जो OA लेंथ है वो A का मैग्नीट्यूड ही तो शो कर रही है। यदि A का मैग्नीट्यूड छोटा होता तो मैं OA की लेंथ छोटी बनाता। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसमें छिपा हुआ है? OA में। और हाँ एक और चीज, एक और सिंबल है ना मैग्नीट्यूड का, सिंपली ये, समझ गए नहीं समझ गए? सोच के बताइए। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सिंपली बी, वो साइड ए बी है, ये जो ए बी साइड है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कर रही है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो बेटा पता है ए और बी के बीच का एंगल ये होगा ना कि ये होगा ना कि ये, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग दो वेक्टरों के बीच का एंगल लेने की एक तमीज होती है, एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो तो ये थोड़ी नहीं हो जाएगा इनके बीच का एंगल, क्योंकि तो इस पॉइंट पर नहीं, छोटे वाले नहीं, छोटे वाले तो शर्त बाद में इच्छा, ये वेक्टर इस पॉइंट पर कन्वर्जिंग है। नहीं बेटा सिवेश, छोटे वाले की बात तो है ही नहीं अभी, ये वेक्टर इस पॉइंट पर कन्वर्जिंग है और ये वेक्टर इस पॉइंट पर डाइवर्जिंग है, तो ये वाला एंगल तो डेफिनेशन में हो ही नहीं रहा, तो आप इस डायरेक्शन को आगे बढ़ा दीजिए, याद है नहीं यार, इस डायरेक्शन को आगे बढ़ाता तब बताइए, समझिए बेटा कॉन्सेप्ट को, ए और बी के बीच का एंगल ये हो ही नहीं सकता ना, ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, जहां से दोनों डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, फील करिए कि यदि इस ए वेक्टर को उठा के मैं यू रख देता, मैं रखूंगा नहीं क्योंकि तो मेरा ट्राइंगल लॉ डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल लॉ इसको यहां रखता हूं, ठीक है, तो यदि इस डायरेक्शन को आगे बढ़ाता मैं तो यही तो एंगल पुकारा जाता है ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है, तो स्मॉलर वाला नहीं, ये थीटा है ये वाला जो रूल, ठीक, तो व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपको गिविन होगा सवाल में कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए और बी के बीच का मतलब उनकी क्या डायरेक्शन है कि उनके ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा ना रिजल्टेंट, ये होगा, यानी ये जो साइड है ये जो लेंथ है वो रिजल्ट है, जैसे इसकी लेंथ ए का मैग्नीट्यूड बता रही है, इसकी लेंथ बी का मैग्नीट्यूड बता रही है, तो भैया इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन आर का मैग्नीट्यूड बताएगी, देन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सिंपली आर लिख दू, कौन सी साइड बता रही है ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ओ बी, और यहां लिख देना अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, रहेगी मिस हो गई, इफ ये देन ये, इफ ये चीजें हैं तो देन ट्राइंगल लॉ से ये जो लेंथ होगी ओ बी वो आर का मैग्नीट्यूड होगी, और ये कुछ ना कुछ एंगल भी बनाना होगा अल्फा, तो ये अल्फा भाई हमें आर की डायरेक्शन भी तो निकालनी है ना, आर की, तो आर व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा इज एंगल मेड बाय पापा वेक्टर विद औलाद ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ जो पापा का एंगल बनना है, ठीक है, ये अल्फा। तो अब देखिए ये चीजें आपको गिविन होंगी, ये चीजें आपको निकालनी होंगी, चलिए करें एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, दिस इज कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और लेट दिस पॉइंट इज नेम्ड एज सी, सी कोई पॉइंट तो नहीं है ना, हाँ इस पॉइंट का नाम सी दे दिया, यहां से एक कंस्ट्रक्शन करी, ठीक है, अब एक जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बनना है एबीसी, मैं बताऊंगा, जैसे लड़ाई में जाने से पहले हम अपने हथियार तैयार कर लेते हैं ना, हथियार पहने कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अब सारे युद्ध में चले गए बंदूक ही नहीं चल रही, अब एक बंदूक में गोलियां डालने सामने गोलियां चल भी गई जब तक, तो पहले मैं लड़ाई में जाने से पहले एक हथियार पहना कर रहा हूं मैं आपका, वो आपको समझ में आएगा जब ये असली लड़ाई लड़ेंगे, एक बार इस ट्राइंगल एबीसी में, ये जो एबीसी ट्राइंगल है, एक बार इसमें cos थीटा खेलिए और एक बार इसमें sin थीटा खेलिए, sin थीटा खेलिए इसी ट्राइंगल में, एक बार cos थीटा खेलते हैं, cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है एसी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है बोलो ए बी, या यू कहिए बी लिख दू, खाली समझने की कोशिश करिए, ए बी का मतलब बी, तो ये बी वेक्टर नहीं लिखना, ओए ध्यान रखना बी वेक्टर नहीं लिखना, गड़बड़ हो जाएगी, कोडिंग सीखो इच्छा, केवल मैग्नीट्यूड तो चाहिए आपको, केवल मैग्नीट्यूड तो चाहिए, आप टिग्नोमेट्री लगा रहे हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की लेंथ और हाइपोटेनस की लेंथ,
तो बेस की लेंथ ए सी है और हाइपोटेनस की लेंथ बी वेक्टर नहीं है, बी है सिर्फ, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बताइए यहां से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा के लिए इसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनस क्या है बी, तो बीसी क्या आ गया बी साइन थीटा। ये मैं मानता हूं समझ में ये नहीं आया होगा कि क्यों किया है, सर हमें तो आर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। चलिए अब निकालेंगे, अब देखिए हमारी ए, देखो चलिए बताना, आपको यदि ये पता हो, आपको यदि ये पता हो, आपको यदि ये एंगल पता हो तो हम पक्का बेटा आर की लेंथ, आर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। एक बड़ा वाला ट्राइंगल देखना, ट्राइंगल ओबीसी दिख रहा है ना, इन ट्राइंगल ओबीसी, एक्चुअली इन ट्राइंगल ओबीसी, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको तीन चीजें पता है बस, ए बी थीटा, ए पता है, बी पता है, थीटा पता है बस, कि इन दो वेक्टरों को जोड़ दो, इन दो वेक्टरों को जोड़ दो, उनके बीच का एंगल इतना है, ठीक है। चलिए तो इन ट्राइंगल ओबीसी, अब ओबीसी कौन सा ट्राइंगल है, ओबीसी ये रहा, दिस इज द पॉइंट ओ, इसमें एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बताइए ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ओ सी प्लस, देखना ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। एक काम और करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, अरे सॉरी, अरे अरे सॉरी, अरे क्या चेक कर रहा था मैं, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी चेक करता हूं मैं अभी चीज में ये, ठीक है बेटा, इंडिया में मास्टर भी गलती नहीं मानेगा, ये तो तुम अपना नसीब लिखवा के आए हो। चलिए तो ओबी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ओबी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। अब ओसी की एग्जैक्ट लेंथ आपको नहीं पता है, आपको लेंथ तो ओ ए की पता है, तो ओ ए प्लस ए सी, इसको तो कर दूं, ओसी को तोड़ दिया ये मैंने, और प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताता हूं कि मैंने ये क्या हथियार पहने करवाए थे, क्योंकि सर को पता था कि साला एसी और बीसी टांग अड़ाएंगे, एसी बीसी, हमने पहले से इनकी वैल्यू निकाल, सर को पता था कि साला जब मैं आर निकाल रहा हूं, आर की लेंथ निकाल रहा हूं तो ये जबरदस्ती टांग अड़ाएंगे अपनी, देखो टांग अड़ाई नहीं एसी ने, टांग अड़ाई ना बीसी ने, एसी ने टांग अड़ाई, बीसी ने टांग अड़ाई, और हम पहले उनको बेटा मैनेज करके आए हैं। तो चलिए ओबी की वैल्यू कितनी है, आर, सिंबॉलिकली देखो कहां गया ओबी की वैल्यू आर है ना, आर लिख दो या आर का, चलो अभी आर लिख देता हूं, आर का स्क्वायर इक्वल टू, आर का स्क्वायर मतलब आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, कायदा ये कहता है ऐसे लिख लीजिए, लेकिन हर बार कायदे के चक्कर में पड़ के मेरी चौक बहुत घिसेगी और बार बार लिखना भी पड़ेगा आपको भी, ठीक है, ये ऐसे लिख दो। ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, ओ ए ढूंढो, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू है ए का मैग्नीट्यूड प्लस ए सी कितना है, ए सी है बी कॉस थीटा उसका स्क्वायर प्लस बी सी, अभी हट रहा हूं, बी साइन थीटा का स्क्वायर है, हट रहा हूं चेक करना बी सी है ना, अब इसको मैनेज कर लीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलू, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, मीम देखा है बेटा मेरा, बी प्लस यू का स्क्वायर, नहीं देखा है, नहीं देख लेना गैंग्स ऑफ फिजिक्स फॉर्मेशन से भी इसने देखा है, ठीक चलो। अबे जाओ वहां, मेरा पेज है फिजिक्स की बातें लिखी हुई है, मैथ फिजिक्स है नहीं, थोड़ा फनी वे में लिखी हुई है, जाके देखो, हर्ष ने देखा है मी स्क्वायर प्लस दो हमारे बच्चे प्लस यू स्क्वायर, चलो तो ए स्क्वायर प्लस दो हमारे बच्चे यानी टू ए बी, तो देखिए इसको खोल रहा हूं मैं, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सही है गलत ये बताना, और प्लस बी स्क्वायर, पर बी स्क्वायर का रोल खुद बी कॉस थीटा कर रहा है, इतना तो कंजड़े नहीं हो गए ना आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगाया है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्चुअली मैंने जान बूझ के इसको यहां इसलिए रखा क्योंकि अभी ये और रह गए ना, ठीक है
इनकी आपस में जोड़ी बन जाएगी, इनकी आपस में जोड़ी बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो बताओ एक स्टेप, क्योंकि बेटा मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते समय कुछ फ्रीड होती है, बताओ इनमें से क्या कॉमन आएगा? बी स्क्वायर कॉमन आएगा, बी स्क्वायर कॉमन आते ही देखना ये बन जाएगा कि नहीं, तोते तो नहीं उड़े, वीडियो को पैक कर करके देख लेना ठीक है। तो ये क्या बन गया, रब ने बना दी जोड़ी, आइडेंटिटी बन गई ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पर भी एक मीम है देख लेना ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है वन। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा और प्लस बी स्क्वायर, पर हम इसको इस रिदम में ना याद करके, इस रिदम में याद करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसको यहां लिख लो, इसको यहां 2ab cos थीटा और r स्क्वायर है तो r कितना होगा, अंडर रूट। ये वो फॉर्मूला है, यदि आपको ab और थीटा बताओ, a का मैग्नीट्यूड बताओ, b का मैग्नीट्यूड बताओ और उनके बीच का एंगल बताओ, तो r का मैग्नीट्यूड निकाल के दे देंगे कि हमारे पापा की वैल्यू इतनी है, पापा की लेंथ इतनी है। अभी लेंथ निकली है, मैग्नीट्यूड निकला है, डायरेक्शन ही निकली, अभी डायरेक्शन के लिए एक चक्कर और चलाना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये जो लिख रहा है ना एक्सप्रेशन, ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले ये हैं। ये जो एक्सप्रेशन में आर वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर लिख रहा है ना, ये हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले ये, काम तो इससे लेना पड़ेगा आपको। एक घटिया सा जोक सुनाता हूं, चींटी का रिश्ता लेके हाथी पे पहुंचे, मतलब एक हाथी का रिश्ता सॉरी चींटी के पास पहुंचा, चींटी ने लड़का रिजेक्ट कर दिया, पता है क्यों? हाथी अपना रिश्ता लेके चींटी के पास पहुंचा, प्रपोज करने पहुंचा, चींटी ने मना कर दी क्योंकि लड़के के दांत बाहर निकले हुए थे, है ना। तो ये ऐसी घटिया जोक को सुनने के लिए कंटिन्यू करना ठीक। अच्छा एक और आ रहा है घटिया ये ठीक। एक बार एक मुर्गी ने कौए से शादी कर ली, मुर्गी ने कौए से शादी कर ली, तो मुर्गा कहता है हमें क्या कमी रह गई थी, हम तो तेरी बरादरी के थे। मुर्गा कहता है मुर्गी से तूने कौए से शादी कर ली, तो मुर्गी कहती है पापा चाह रहे थे कि लड़का एयरफोर्स में हो। ऐसी घटिया जोक सुनाता रहूंगा या नहीं, यदि पढ़ोगे नहीं तो। चलो आ जाओ, तो चलिए ये केवल हाथी के दांत दिखाने वाला है, सॉरी ये काम तो ये करेगा बेटा, काम ये करेगा। अब डायरेक्शन और निकालनी है, यानी ये अल्फा और टारगेट करना है, ये हमारे अल्फा और रडार पे है। अभी तो डाला इस पापा की डायरेक्शन और निकालनी है, पापा है किस डायरेक्शन में, है ना। तो चलिए इसी ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ओबीसी, एक बार और खेलते हैं ट्रायंगल ओबीसी, टेन अल्फा खेलते हैं, टेन अल्फा बड़ा वाला ट्रायंगल ये जो है, ये वाला ओबीसी दिख रहा है ना, ट्रायंगल ओबीसी। तो क्या खेलना है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बीसी और बेस क्या है ओसी, पर ओसी की पूरी वैल्यू नहीं पता, ओसी को तोड़ के आप देखना, मैं इसी में कर देता हूं, ओसी को तोड़ रहा हूं, ओ ए प्लस ए सी, ये जो ओसी था उसको ओ ए प्लस ए सी। तो चलिए अब वक्त आ गया, वैल्यू रख देते हैं टेन अल्फा इक्वल टू बीसी, बीसी कहां है, ये रहा हथियार पहले पहने कर रखे थे ना, बीसी की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ओ ए की वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड, ए सी की वैल्यू बी कॉस थीटा। ये वो दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली में जो एक्शन में आएंगे, ये तो केवल बैठे हुए बस गाल बजा रहा है कि मैं ए और बी का रिजल्टेंट हूं। ओ ए कहो ए बी क्या कह रहे हो बेटा, ओ ए को क्या कह रही है नंदिनी, एक मिनट, ओ ए को ए बी तो लिख सकते हैं, लिख दिया ना तेरी इच्छा पूरी कर दी मैंने फाइनली। हाँ ये डेरिवेशन टाइप है, बिल्कुल डेरिवेशन ही है ये, यदि सब्जेक्टिव पेपर हुए आपके तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बेटा। एनसीईआरटी पता है क्या है, एनसीईआरटी थोड़े लिखे को बहुत समझना है, नहीं दिल में आती हूँ समझ में नहीं आती हूँ, इसमें मिल जाएगा धीमे धीमे ठीक है। यदि एनसीईआरटी ही समझ में आ जाती सबको, उससे पूछ रहे एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, नोट्स में लिखा है टेंशन मत ले ठीक है, एनसीईआरटी में ढूंढ के बता दो बात, पर एनसीईआरटी सबको समझ में आती तो तुम लोग मेरे पास क्यों आते बेटा, या कहीं भी कोई क्यों जाता, हमारी तो दुकान बंद हो जाती।
कल कोहली मैंने कुछ समझ नहीं आया। अच्छा कोहली नहीं खोली, सॉरी। अच्छा थैंक गॉड निकिता ने किताब तो खोली, वरना हम में से तो कई लोगों की किताबें गाना गा रही है, जरा जरा टच मी जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी, है ना, गाना गा रही होंगी किताबें, जाले लग गए होंगे दाए 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 साहब। चलो एटलीस्ट उसने किताब को हाथ तो लगाया, चलिए कोई नहीं। हाँ तो ये दो फॉर्मूले, और टेंशन मतलब इनसे दोस्ती करनी है हमें, हो जाएगी दोस्ती धीमे धीमे जब हम इन पे काम करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मैं अभी इस मीटिंग में कितना टाइम है, अभी तो टाइम है बहुत, हो जाएगा मेरा काम इस मीटिंग में। तो मैं फाइनली समरी, इसका स्क्रीनशॉट लेने ले लो, ठीक है, नोट्स में वैसे सब कुछ मौजूद है। तो चलिए टिक टिक 1 2 3 4 5 हो गया स्क्रीनशॉट। फाइनली समरी क्या आई, फाइनली समरी ये आई कि यदि कुछ इस टाइप का सीन हो, ये भी थोड़ा फिगर छोटा कर देता हूं, है ना छोटा, कि यदि मेरे पास इस तरीके की सिचुएशन हो, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, एक ए वेक्टर हो एक बी वेक्टर हो, है ना बी वेक्टर, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहेगा, मैं तुम दोनों का पापा हूं, है ना, और इनके बीच का एंगल यदि मुझे थीटा पता हो। अब ये तुमको पता ही है कि ए और बी के बीच का एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आर वेक्टर है, ये जो टशनबाजी दिखा रहा है कि मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का पापा हूं, ये तो सिर्फ कोड लैंग्वेज है, ये कुछ करता नहीं है। ये कहिए ये एक पैकेट है, इस पैकेट में दो वो आते ना लड्डू, वो जो एक पैकेट आता था जिसमें मन में लड्डू फुटाई कैट आता था, तो ये पैकेट है कैडबरी का, इसमें दो लड्डू निकलते हैं। एक लड्डू ये है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, मतलब इस आर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलेगा और इस आर की डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकलेगी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। पहले इतने से ही काम चलवाता हूं आपको, पहले इतना ही सिखाता हूं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, समझ गए। ये एक्चुअली ये इन दोनों फॉर्मूले को शॉर्टकट में बोलने की ट्रिक है, ऐसे समझ लो, इन दोनों फॉर्मूलों को इशारे में बोलने की ट्रिक है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे समझ लो, ये मैग्नीट्यूड निकालेगा डायरेक्शन। चलिए पहले इस वाले फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कराता हूं, है ना, शुरुआत करते हैं। केस फर्स्ट बताना, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है और ए और बी के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब 0 और 180 के बीच में, दो वेक्टरों के बीच का मिनिमम एंगल 0 और मैक्सिमम 180 होता है। सपोज करो एक आदमी 4 मीटर ऐसे गया, सपोज करो, एक मिनट एक सवाल कराता हूं, जिसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। एक आदमी पहले 4 मीटर चला फिर 3 मीटर चला, बताओ कुल कितना चला, मेरे सवाल का जवाब दो। एक आदमी 4 मीटर चला फिर 3 मीटर चला तो कुल कितना डिस्प्लेस हुआ, आई एम नॉट आस्किंग डिस्टेंस। एक आदमी 4 मीटर चला फिर 3 मीटर चला तो कुल कितना डिस्प्लेसमेंट चला, इच्छा ने ठीक बताया, हाँ इधर से भी ठीक आवाज आई, डायरेक्शन तो बताओ, यही होना चाहिए एटीट्यूड, ऐसे कैसे कोई बता देगा। चलिए पहला केस, यदि ए और बी के बीच का एंगल इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो ए और बी के, तो पता है दैट इज कुछ टाइप का सीन बनेगा, पहले ऐसे गया होगा ए वेक्टर ऐसे गया होगा और फिर बिना मुड़े बिना ये ऐसे चला होगा। बोलो भाई यदि ए इतना है और बी इतना है तो ए की लेंथ थोड़ी बड़ी होगी बी की थोड़ी छोटी होगी, और उनके बीच का एंगल यदि थीटा 0 है, थीटा 0 है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर देखो सेम ऑर्डर में है या नहीं, ये बताओ सेम ऑर्डर में है कि नहीं। अब देखिए इसका रिजल्टेंट निकालते हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, हालांकि ये तो वही बात हो गई कि आधी किलो चीनी लाने के लिए आप ट्रक निकाल रहे हो, खूब मन में आंसर आ रहा है कि टोटल कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट सबको पता है 7 मीटर आ गया, मन में आ गया ना, लेकिन एक बार इस फॉर्मूले को तो चलाना सीखे, ट्रक चलाना सीखे, क्योंकि ठीक है आधी किलो चीनी के लिए ट्रक लाना पसंद नहीं करोगे, जब लेकिन बोरे भर भर के चीनी लाओगे तब तो ट्रक ही चलाना पड़ेगा। तो पहले और जब ट्रक सीखते हैं तो उसे लदी हुई चीनी वाला ट्रक नहीं दे देते, खाली ट्रक ही देते हैं उसको। चलो तो बताइए इस फॉर्मूले को चलाना सिखा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और थीटा कितना है इनके बीच का,
जीरो। अब आप इस थीटा को एडजस्ट करिए, जीरो कॉस जीरो की वैल्यू प्लस वन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा आपको, कॉस जीरो की वैल्यू प्लस वन, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वन। तो बताइए ये अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया या नहीं बन गया? अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इस समय नहीं बन रहा था लेकिन अब बन गया, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो आंसर क्या आ गया? ए प्लस बी। क्या मतलब है? आर का मैग्नीट्यूड है ये। इस सिनेरियो में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जोड़ दीजिए, ये आएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, आंसर कितना आ गया? 7 मीटर। अब देखिए धीमे धीमे अच्छा लगेगा कि सबने ये क्यों बताया। जब इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा जीरो था तो आंसर 7 मीटर। ये क्या कह रहा है कि इस समय जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जो रिजल्टेंट आया होगा, उसका मैग्नीट्यूड 7 मीटर आया होगा, मैग्नीट्यूड। सेकंड सीन इसी में, एक आदमी ऐसे चलता है, सुनो अब, मतलब इफ थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब दैट इज फिगर समझेंगे कि वो ऐसे चला और फिर वो ऐसे लौटे आया, ए चला और फिर ऐसे लौटे आया, हालांकि वो लौटा तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, लेकिन मैं इस भसड़ से बचने के लिए ये थोड़ा सा कर्व घुमा देता हूं। तो बताइए पहले वो 4 मीटर चला, फिर वो 3 मीटर इधर चला आया, पहले 4 मीटर चलता है फिर 3 मीटर ऐसे चल गया। अब थीटा कितना है बोलो, इन बताइए इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो ये एक इधर है और एक इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक इधर है। अब सुनिए फिर से इस ट्रक को ढालो, सो देयर फॉर फ्रॉम फर्स्ट, अभी ट्रक चलाना सिखाना है ना, एक ट्रक उठा रहा हूं, अब की बार बताओ ए का मैग्नीट्यूड वही है, बी का मैग्नीट्यूड वही है, 2ab भी वही है, अंतर आ गया, अब थीटा जीरो नहीं है 180 है, थीटा जीरो नहीं है 180 है। मेरा एग्जांपल पूरा होने से पहले यदि ये मीटिंग चली जाए तो तीसरी में भी आ जाना थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं उस शब्द का मतलब, जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के, ये वो फॉर्मूला है, जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के। आ रहा ही नहीं आ रहा ए और बी के अलावा, थीटा भी तो आ रहे ना, यानी रिजल्टेंट ए पर डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड करेगा, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, उसी थीटा की तो डिपेंडेंस दिखा रहा हूं मैं आपको। बताइए अब कॉस 180 माइनस वन होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वन, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया बेटा, और फिर रूट लोगे तो ए माइनस बी। इस बार रिजल्टेंट क्या आ रहा है? इस बार रिजल्टेंट ए माइनस बी आ रहा है। क्या कह रहा है रिजल्टेंट? कह रहा है कि ए के मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड घटा दीजिए। सुनेंगे मेरी बात, फॉर्मूला वही था, थीटा लेके कह रहा है जोड़ देना, थीटा लेके कह रहा है घटा देना। मैंने ऐसा तो नहीं कि इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज किया हो, इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज किया हो, फॉर्मूला मैंने दोनों बार एक ही उठाया ना। क्या आ जाएगा आंसर? समझ गए होगे, 4 माइनस 3 1 मीटर आ गया, 4 के मेल आगे नहीं आ गया, फॉर्मूला वही था ना। अभी एक बार और परेशान करता हूं, तीसरा, इफ थीटा 90 डिग्री होता तो कुछ ऐसा होता, दैट इज पहले आदमी ऐसे चलता 4 मीटर और फिर 3 मीटर 90 डिग्री पे चलता। मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं जिन्हें आप मेरे इस फॉर्मूले के बिना भी मैंने यदि ये फॉर्मूला नहीं बताया होता तो भी कर जाते, लेकिन आपको इस फॉर्मूले की महिमा तो मैं ही बताऊंगा ना। फिर ना बताना 4 ऐसे गया 3 ऐसे गया तो रिजल्टेंट यही तो हुआ आपके हिसाब से। रिजल्टेंट यदि मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया होता तो रिजल्टेंट कितना आता? 5 यूनिट, 5 मीटर का आता। कि यदि कोई 4 ऐसे चले और 3 मीटर 90 डिग्री पे मुड़ जाए तो इसका मतलब रिजल्टेंट वो 5 मीटर चला है। अगर सर रिजल्टेंट नेगेटिव आए तो नहीं आएगा? अरे नेगेटिव आएगा ही नहीं रिजल्टेंट का, दुनिया के किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। एक चीज मैं यहां बता दूं आपको, शायद यहां से क्वेश्चन बनाए देख के, बताएं ये जो मैंने यहां लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे b माइनस ए का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। सोचो सोचो टेक्निकली तो ये ठीक है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों ही ये चीज होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां जब मैं ये ऑपरेट करूंगा तो इतना ध्यान रखना जिसकी लाठी उसकी भैंस में से, मतलब ताकतवर वाले को पहले रखना है आपको, क्योंकि
जनरली आपके दिमाग में क्या चला, जब आप चार का रूट लेते हो तो प्लस माइनस टू होता है, लेकिन यदि ये वेक्टर एलजेब्रा चल रही है तो फोर का रूट टू लोगे, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आता है। समझ में आ गया? जनरली यदि स्केलर एलजेब्रा चल रही हो तो प्लस माइनस टू ले लेते हैं, लेकिन यदि वेक्टर एलजेब्रा चल रही है और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जनरेट हो रहा है तो नेगेटिव नहीं लेना। क्योंकि बेटा मैं ये कह सकता हूं, थोड़ा आलसी पना खेल गया, होता तो ये सिंबल है ना ये, जिसे मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए अब मैं इस फॉर्मूले को फिर उठाता हूं, हे वेक्टर, अरे आजा इसी फॉर्मूले को उठा लो, ओ प्लीज यार मदद करियो, ठीक है मदद करियो। तो चलिए देखो ये लिखेगा क्या, लिखा यही जाएगा कि आर ए और बी का रिजल्टेंट है, लिखा यही जाएगा, लेकिन अब देखते हैं काम कैसे करता है। फ्रॉम फर्स्ट यानी ये वाला फॉर्मूला बताइए, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस आपकी बार थीटा 90। अब आप देखिए, यानी ए और बी तीनों सवाल में चार और तीन रहे, मैंने ए और बी की वैल्यू तो नहीं चेंज करी, चार और तीन का आंसर सात भी आया, चार और तीन का आंसर वन भी आया, और चार और तीन का आंसर वेट करिए तो बताइए टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, जीरो इतना खत्म कर देगा, बिल्कुल बीमारी है ये जीरो, जिससे मल्टीप्लाई हो गया जीरो, तो केवल क्या रह गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया। बताइए जब आप इसे कैलकुलेट करोगे फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, आपको अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इस फॉर्मूले की योग्यता क्षमता समझ में आ रही है नहीं आ रही, इस फॉर्मूले की एबिलिटी समझिए। और मैंने तो केवल जीरो 90 180 बताया, दुनिया का कोई भी एंगल डाल के वेरीफाई कर लेना, बिलीव मी ये तो साफ टशन है, इसमें कोई सा भी एंगल डाल दो आंसर निकाल के दूंगा तुम्हें, मैं क्या आगे का रिजल्टेंट हो क्या होगा, तुम में क्षमता होनी चाहिए वेरीफाई करने की, मैं तो सही निकाल के दूंगा। तो मैंने पहले कौन से एग्जाम्पल लिए जिन्हें आप क्रॉस वेरीफाई इस फॉर्मूले के अलावा भी कर सकते थे, एक और एग्जाम्पल देता हूं, स्क्रीनशॉट लो इसका, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर कल बात करूंगा क्योंकि फिर खोपड़ी घूम जाएगी आपकी भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और ये लास्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बताते बताते मीटिंग चली जाए तो दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, ठीक ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं, क्योंकि मैंने ना अभी आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कराई है, इसके दर्शन दिखाए हैं, अब इसकी भी तो थोड़ा हाथ खुलवा दूं, ये भी तो डायरेक्शन निकालता, तो एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं जो इजी है। एक काम और करेंगे आप, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है 20 रुपए की समथिंग आएगी, सुप्रीम लिखा रहता है, सुप्रीम मार्केट में मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है 20 रुपए की आती है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लॉग टेबल ये सब होता है, उसे देखना सिखाऊंगा मैं कल आपको, कल देखना सिखाऊंगा उस टेबल को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि तो आप बेसिक वैल्यू तो जानते हो, ये बताओ 10.45 की वैल्यू जानते हो, 10.30 की जानते हो, cos 30 की को, लेकिन कल को सवाल में आएगा 22 डिग्री, फिर क्या करोगे आप 48 डिग्री, फिर क्या करोगे आप, तो पता है एग्जाम में आपको एक टेबल मिलती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, पर बेटा भैंस के आगे बीन बजाना, जब आपको आती ही नहीं होगी वो पढ़नी, तो आप कैसे निकाल पाओगे टेबल, देख कैसे पाओगे। तो कल सुप्रीम बुक और दो साल काम में आएगी आपके, और इंजीनियरिंग करोगे उसमें भी काम नहीं आएगी, करोगे तो क्या ही, तो लड़कियां यही सोच रख के बैठ पढ़ रही होंगी, पापा ने कहा है 12 कर ले शादी करानी इसकी, लड़कों से क्यों नहीं कहते ये पापा है 12 करा के इसकी शादी करा देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मन में लड्डू फूटा है नहीं, चलो अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल कि यदि कोई वैल्यू, जैसे अब की बात ये नया एग्जाम्पल है, चार और तीन वाला नहीं है, मान लो एक आदमी चार मीटर चलता है ऐसे, लो सपोज करो ए और बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड चार मीटर है, समझिए ए और बी दो वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, पहले वो चार मीटर किसका, फिर 120 डिग्री मुड़ गया, फिर चार मीटर चला, तो देखो सीन कैसा बनेगा, पहले वो चार मीटर ऐसे चला, चल लिया, अब 120 डिग्री मोड़ के फील करना, 120 डिग्री ऐसे मुड़ा 120 डिग्री, सोचो ये एंगल ही तो ले रहा हूं इतनी देर से, इसी एंगल को तो ले रहा हूं बार बार, अब क्योंकि बेटा
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का लिटरली एंगल ये है ही नहीं, ये वाला तो एंगल है ही नहीं और बी के बीच का, क्योंकि इस पॉइंट पे एक कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, एंगल तो ये वाला है, ये है 120 डिग्री। तो सवाल ये है कि यदि ए ऐसे गया बी ऐसे गया, 4 मीटर ऐसे चला 4 मीटर ऐसे चला, तो रिजल्टेंट कितना है? तो रिजल्टेंट ये होगा बेटा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, मानते हो? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं यदि ये फॉर्मूला ना भी लगाऊं तो ज्योमेट्रिकली भी इसका आंसर निकाल के दिखा दूंगा। बताइए ये दोनों साइड कैसी है? बराबर, दोनों साइड बराबर है 4-4 मीटर, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये और ये बराबर है, तो ये भी 60-60 के हो गए, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड बराबर होती हैं, तो यदि ये चार ये चार तो ये भी चार होगा। आंसर तो आपको पता है कि यदि कोई ऐसे और ऐसे गया तो ये आंसर चार होगा, बोलो पता है या नहीं पता? कि और ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, बोलो। अब एक्टिंग करते हैं कि हमें नहीं पता है ना, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये 60 है, हमें बस ये पता है कि ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर और ये एंगल 120 है, हमें ये पता है। तो पहले तो सुनिए, इस टॉपिक में आपको साइन 120 डिग्री की जरूरत पड़ेगी और कॉस 120 डिग्री की भी जरूरत पड़ेगी। साइन 120, साइन 90 प्लस 30 लिख लेना, तो क्या कितना होगा ये प्लस का कॉस 30, क्या बन गया ये प्लस का कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये तो हो गई साइन 120 की वैल्यू, ऐसे ही कॉस 120 की अरेंज कर लेना, ये आएगी -1/2 कॉस 120 की। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, किसने कहा था बायो लेने की है ना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हाँ तो आंसर आप निकाल चुके हो। अच्छा यहां से एक चीज और मैं बता दूं, यदि आप ज्योमेट्रिकली आंसर निकाल पा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रक निकालो ही निकालो, ट्रक तो तब निकालना जब आप कोई साइकिल से सामान नहीं ला पा रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी बॉल पे छक्का मार सकते हो तो छक्का मार देना, जरूरी नहीं है टुक 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 खेलो। इस फॉर्मूले को तब याद करना जब आपकी ट्रिक्स काम नहीं कर रही हो। यदि देखो जैसे मैंने इसमें ज्योमेट्री के थ्रू आंसर निकाल दिया, वैलिड आंसर है ज्योमेट्री के थ्रू भी। अब मैं इसको इससे वेरीफाई करवाता हूं, चलिए ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं। फ्रॉम फर्स्ट, सब लोग देखिए बेटा, रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप ठीक थे, आप गलत नहीं थे, आप गलत नहीं थे, आप बी स्क्वायर बोले ठीक, लेकिन गंगाधरी शक्ति माने ना इस बार, तो ए और बी बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कर क्या रहे हैं सर, बोल भी रहे हैं लेकिन ये लिख रहा हूं। अरे जो सुविधा है उसको यूज कर लेते हैं, कॉस 120, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना है 120, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 है, मुझे ये लेंथ पता है 4 मीटर 4 मीटर, ये पता नहीं कितनी, बताइए सॉल्व करो इसे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² प्लस 2a², ये -1/2, कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कटा, ये -a² हो गया, 2a² में से a² कट जाएगा, तो बताइए आपका रिजल्टेंट कितना आया, क्या मतलब है इस बात का, रिजल्टेंट भी लेंथ 4 मीटर आएगी, इसका मतलब है ना अच्छा फॉर्मूला। अब ये देखिए कि ये टिका हुआ है अपनी जगह, ये कहता है आंधी आए तूफान आए कोई भी एंगल आए मैं तुमको हर बार सटीक आंसर निकाल के दूंगा। हाँ तुम किसी ट्रिक से आंसर पहले निकाल जाओ मैं उसकी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। ट्रिक हो सकता है हर सवाल में ना लग पाए, मैं तो तुम्हें हर सवाल में साथ दूंगा। तो इस फॉर्मूले की इज्जत बढ़ने लगी नहीं बढ़ने लगी दिमाग में, ये डायलॉग समझ में आने लगा, जोड़ो मगर डायरेक्शन को ध्यान में रख के। बताइए इस बार चारों चार का आंसर कितना आया है, बताइए चार और चार का आंसर कितना आया है, चार ही आया है, चार और चार का आंसर चार ही आया है, वेक्टर अलजेब्रा में ऐसा हो जाता है, देखा आपने चार और चार का आंसर। अच्छा बताओ चार चार का आंसर 8 भी आ सकता था, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में होते 4 मीटर 4 मीटर ऐसे चलता तो चार और चार 8 भी आ जाता, चार ऐसे जाता चार बिल्कुल नॉट के आ जाता, तो चार और चार 0 भी आ जाता आंसर, वेक्टर अलजेब्रा में कुछ भी संभव है ना। अब आज ये इस पे तो प्रैक्टिस करा दू थोड़ी सी, इस पे देखता हूं ये एंगल, ध्यान करो ये वाला एंगल अल्फा माना है मैंने, अल्फा मैंने अभी तक अल्फा की प्रैक्टिस नहीं कराई, अब करा देता हूं। ये अल्फा निकालते हैं, हालांकि पता है 60 आया था लेकिन एक्टिंग करते हैं,
हमें तो पता ही नहीं है 60, भूला है ना। तो चलिए अब अल्फा किससे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो बताइए नाउ फ्रॉम टू, पहली बार टू का उपयोग करा रहा हूं, फ्रॉम टू टेन, ताकि आपके दिमाग में इसकी भी तो इज्जत बढ़े, ठीक है, इसकी भी तो इज्जत, टेन अल्फा इक्वल टू, इसकी भी इंपॉर्टेंस, बी साइन थीटा, बी कितना है, अच्छा एक मिनट, बी साइन थीटा अपॉन बी प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या कर दिया मैंने, थोड़ा काम इजी कर, ए और बी बराबर है, एटलीस्ट उनकी कलेज हटाओ, कॉमन लेके काट दो, कॉमन लेके कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा वन प्लस कॉस थीटा, अब केवल थीटा थीटा रह गए, झेल लेंगे ने। बताओ साइन थीटा 120 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, भैया कौन सा वाला एंगल, जो आपस का एंगल है वो लेना होता है, वो 120 है। बताइए साइन 120 की वैल्यू कितनी थी, रूट 3/2 वन ये वाला प्लस ये वाला, पर ये -1/2 है तो -1/2 करना पड़ेगा, तो बेटा -1/2 केवल रूट 3 आ रहा है, ये रूट 3 आ रहा है, क्या रूट 3 आ रहा है, टेन अल्फा, तो बताइए अल्फा कितना हुआ, अल्फा कितना हुआ फिर 60 डिग्री, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ बहुत देर से वेट कर रहे थे सर, कब छोड़े कब छोड़े, नहीं ठीक है मैं छोड़ना नहीं हूं, वो BMW नहीं थी मेरी, मैंने मान ली ना, मैं तो उल्टा गले लगा के आया उसे, यार तुझे एटलीस्ट लगता है कि वो मेरी है।